हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। 4 मई के करंट अफेयर्स की आज बात करने वाले हैं। क्या चीजें रही जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको जाननी जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, हमारे इसी चैनल पे कोवैक्सीन सीरीज भी चल रही है। कोवैक्सीन सीरीज जो कोविड-19 से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इस सीरीज में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं ना, हमारे भारत के संविधान को। 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तीसरा डोज उसका आज आपको मिलेगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए और आपको बहुत फायदा होने वाला है इसके अंदर। ओके, इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आए तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चले। और इंग्लिश की जो कंटेंट है हमारा, एग्जाम वाली इंग्लिश, वो भी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप उन चीजों को जरूर देखें। इसके अलावा जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको और कौन सी चीजें चाहिए जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए। ओके, आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक मोटिवेशनल कोट की, और वो इस तरह से है, वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। आज का जो दौर है, इस ये जो वक्त है हमारे भारत के लिए, खास तौर पे पूरी दुनिया में परेशानियां हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर कुछ ज्यादा शायद हम परेशानियों को झेल रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती है। तो अगर हम ये कहें इस वक्त से परेशान होके, डर के, घबरा के हमें बैठ नहीं जाना है। हमें इतनी मेहनत करनी है कि ये वक्त जब चेंज हो, जब ये वक्त गुजरे, तो हमें लगे कि हाँ, हमने हमारा एक जो फ्री टाइम मिला था उसको हमने यूं ही वेस्ट नहीं किया। तो वक्त तो हमें कितना भी परेशान कर ले, लेकिन एक दिन हम इसे बदल ही देंगे। ओके, तो बात करते हैं हमारी हेडिंग्स की। आरबीआई की सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक गवर्नर होता है ना, एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है हमारे? गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये बात हम सब जानते हैं। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, और इन 4 में से 1, 2, 3 तो थे, चौथे डिप्यूटी गवर्नर को अभी नियुक्त किया गया है। तो इन चौथे डिप्यूटी गवर्नर के बारे में हम देखने वाले, इनका नाम है टी रवि शंकर। ओके, तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्यूटी गवर्नर की नियुक्ति की गई है, तो इनका नाम आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। पहले, दूसरे और तीसरे कौन हैं? ये हैं हमारे जो पहले हैं डिप्यूटी गवर्नर, उनका नाम है माइकल पात्रा। दूसरे जो हैं वो हैं एम राजेश्वर राव, और तीसरे हैं महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन, ओके, ये 4 डिप्यूटी गवर्नर अभी आरबीआई के अंदर हैं। चौथे की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब जो एम राजेश्वर राव है, तो देखिए आरबीआई की एक अथॉरिटी बनाई हुई है आरआरए, यानी इसका क्या नाम हो गया, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं कौन? एम राजेश्वर राव। तो ये भी आपके लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नर का हम सबको पता है कि हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलो, अच्छा, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। फिर अगर हम एक बात करें, पुराने एक डिप्यूटी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो एक 1977 में आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर थे श्री कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। तो हो सकता है इनका नाम आपसे पूछ ले, क्योंकि आजकल चीजें कनेक्ट करके पूछने लग गया है। जो चीज डायरेक्टली करंट अफेयर्स में और न्यूज में होती है, उसको ना पूछ के उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज को एग्जामिनर हमसे
पूछ लेता है। तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और ये पुराने यानी पूर्व में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, तो ये बात आपको पता रखना है। फिर इसके अलावा एक सेकंड न्यूज थी आरबीआई के बारे में, और आरबीआई की जो सेकंड न्यूज है NGFS के अंदर आरबीआई क्या हो गया शामिल, आरबीआई NGFS में शामिल हो गया। अब ये NGFS क्या है, तो आप इसका पूरा नाम लिखोगे नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल ये एक वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस राजधानी कहाँ की, फ्रांस की, तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और जैसा कि इसका नाम है नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि दुनिया के सभी देशों के जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, देशों के केंद्रीय बैंक। अच्छा, जैसे हमारे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, हमारे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, वैसे एक केंद्रीय बैंक होगा अमेरिका का, एक होगा पाकिस्तान का, एक होगा यूके का, है ना। इस तरह के सभी देशों के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं वो इसमें क्या करेंगे, शामिल होंगे, जैसे कि हमारा आरबीआई शामिल हुआ। और इस तरह की कोशिश की जाएगी, देखिए नाम से वापस पढ़ता हूँ मैं, नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ग्रीनिंग यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी इसमें ऐसी कोशिशें की जाएगी सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक है वो इसमें शामिल होंगे, और इस तरह से डिस्कशन और इस तरह से पॉलिसीज लाई जाएंगी कि उन देशों का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऐसा ना हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो, पर्यावरण को नुकसान। जैसा हम जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे अगर हम आरबीआई की बात करें, तो आरबीआई जब उसमें शामिल हो गया तो आरबीआई ये कोशिश करेगा हमारे भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। जो लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसी संस्थाओं को, ऐसी कंपनीज को ज्यादा जल्दी और बहुत आसानी से लोन ना मिले जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ये नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जो ये चाहता है कि जो हर देश की अर्थव्यवस्था होती है, वहां का फाइनेंशियल सिस्टम होता है, वहां पे किसी तरह से इस तरह की पॉलिसी लाई जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो ये बात आपको जानने की थी और इम्पोर्टेंट थी आपके बारे में, NGFS का नाम, इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस में और किस किस का हेडक्वार्टर है, आपको पता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। इसके अलावा हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी FATF पता है आपको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का भी है। और कल हमने बात की थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, पेरिस में है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ, और अगली हेडिंग है हमारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आपको पता है ना ऑक्सीजन की कमी चल रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर GST कम कर दिया है सरकार ने। पहली बात तो ये खुशखबरी ज्यादा दिनों के लिए नहीं दी है, आपको पता होनी चाहिए अभी तक 28% इस पे GST लगता था, यानी वस्तु एवं सेवा कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन अब घटाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है 12%, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, ना कि हमेशा के लिए, ना 2 महीनों के लिए, मतलब कब तक, 1 मई से ये हो जाएगा 30 जून तक, 30 जून तक इस पे घटा के 12% GST कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेटर है
ये क्या होंगे, थोड़े सस्ते हो जाएंगे, और जो लोग हैं जो महंगाई की वजह से कुछ इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो बाहर से आयात करने पर जब टैक्स कम हो जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सस्ता हो जाएगा और ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो शायद ज्यादा जाने बच सकेगी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पे जीएसटी कितना कर दिया गया है, 12%, और कितना था ये चीज आपको पता है, पता होनी चाहिए। कब तक के लिए किया है, तो 30 जून के लिए। फिर बात करते हैं पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना की। देखिए पंजाब सरकार की एक पुरानी योजना, ये इसका ही पुराना नाम था, इस योजना का पुराना नाम था शगुन योजना, और अब इस योजना को पंजाब सरकार ने नया नाम दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज उसने कर दिया है। तो शगुन योजना थी क्या असल में, शगुन योजना उन बीपीएल परिवारों में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार होते हैं, कौन कौन से परिवार, मुस्लिम परिवार, ईसाई, एससी, एसटी और ओबीसी, ऐसे मुस्लिम, ईसाई, एससी, एसटी और ओबीसी के ऐसे परिवार जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, अगर इन परिवारों में लड़की की शादी की जाती है, यानी इन ये लोग बीपीएल परिवार वाले जब अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की शादी करते हैं, लड़की की शादी होती है, तो लड़की की शादी पर पंजाब सरकार क्या देती थी, 21,000 रुपये देती थी, 21,000 रुपये, ठीक है, शगुन योजना में। अब इस योजना का नाम कर दिया है आशीर्वाद योजना, क्योंकि पहले जो 21,000 रुपये थे सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन अब 21,000 रुपये की जगह कितने देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अब कर दिए 51,000 रुपये। तो क्योंकि चीजें बढ़ा दिए, पैसे बढ़ा दिए, इसलिए इसका नाम पंजाब सरकार ने क्या कर दिया है, आशीर्वाद योजना। तो शगुन योजना ही है, बीपीएल परिवारों को, मुस्लिम, ईसाई, एससी, एसटी और ओबीसी के बीपीएल परिवारों में जब लड़की की शादी होती है, तो पंजाब सरकार अब उसको कितने रुपए, उस परिवार को कितने रुपए देगी, 51,000 रुपये। ओके, पंजाब की अगर कुछ दूसरी योजनाओं की बात की जाए, तो दूसरी योजना कौन सी है, जैसे एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पंजाब सरकार ने योजना चलाई थी, बसेरा योजना। इसके अलावा एक थी स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, स्मार्ट कनेक्ट स्कीम ये भी पंजाब सरकार की है। एक लाल लकीर योजना भी है पंजाब सरकार की, लाल लकीर योजना। ओके, फिर पंजाब में एक मेगा फूड पार्क बन रहा है कपूरथला जिले में, उसका नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क। सुखजीत मेगा फूड पार्क कहाँ पे बन रहा है, ये पंजाब के कपूरथला जिले में, कपूरथला जिला। ओके, इसके अलावा पंजाब में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, और ये कहाँ पे, पटियाला में बन रही है, और इसका जो नाम रखा जाएगा वो नाम रखा जाएगा महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर, महाराजा भूपेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे। पंजाब का जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, राज्य चुनाव आयोग ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है, अपना एम्बेसडर, या जिसे हम कहें स्टेट आइकन, स्टेट आइकन, या इसी को हम क्या कह देंगे, एम्बेसडर। तो किसे इन्होंने नियुक्त किया है, सोनू सूद को, सोनू सूद को। इसके अलावा पंजाब सरकार के दो मोबाइल ऐप भी हैं, और वो मोबाइल ऐप एक तो आपको पता होना चाहिए, एक तो है डिजी नेस्ट और सेकंड है पीआर इनसाइट, पीआर इनसाइट। और क्या याद रख सकते हैं हम, एक पोर्टल है पंजाब सरकार का, ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल, ये भी पंजाब सरकार का है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है पंजाब सरकार के बारे में, आशीर्वाद योजना अभी उन्होंने लॉन्च की है। ओके, बात करते हैं अगली हेडिंग की, NIACL। पहली बात, NIACL है क्या, तो इसका नाम है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए ये भारत सरकार की
यह मैं कहूँ सार्वजनिक बीमा कंपनी है, यानी भारत सरकार की एक बीमा कंपनी है, सार्वजनिक बीमा कंपनी। भारत की तीन बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनियां हैं, एक LIC है, एक NISCL होगी, एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भी है ना। तो NISCL क्या हो गई, NISCL अभी क्यों न्यूज में है? तो एक्सिस बैंक का नाम पता है आपको? एक्सिस बैंक, अभी हमने बात की थी कि अमिताभ चौधरी जो है वो इसके MD एंड CEO बने। एक्सिस बैंक है भारत का थर्ड सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इससे बड़े बड़े कौन से हैं? एक तो है HDFC और एक है ICICI, ये है, और तीसरे नंबर पे आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो जो NISCL है उसकी इसमें हिस्सेदारी है, और एक्सिस बैंक में NISCL को सार्वजनिक शेयर धारक, सार्वजनिक शेयर धारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है के रूप में। पहले देखो क्या होता था NISCL का, पहले इसमें एक्सिस बैंक में अच्छा खासा हिस्सेदारी थी। तो पहले ये इसका एक्सिस बैंक का हुआ करता था प्रमोटर, प्रमोटर 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 होने का मतलब ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या जो डायरेक्टर्स, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें भी था, यानी इसकी अच्छी खासी मात्रा में हिस्सेदारी थी। लेकिन अभी हिस्सेदारी कम हो गई है NISCL की, लेकिन है हिस्सेदारी तो है। तो इसको क्या, किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? अब NISCL यानी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अब एक्सिस बैंक के अंदर क्या है, एक पब्लिक शेयर होल्डर का हौसला वो रखती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पद, एक तरह से पब्लिक शेयर होल्डर है NISCL एक्सिस बैंक में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसको एक्सिस बैंक में सार्वजनिक शेयर धारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक्सिस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा इसके MD एंड CEO की अभी हमने कल या परसों ही बात की थी, MD एंड CEO इसके अभी कौन बने, अगले 3 सालों के लिए अमिताभ चौधरी बनाए गए हैं, ओके, अमिताभ चौधरी। फिर अगर NISCL की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है ताजिंदर मुखर्जी, ताजिंदर मुखर्जी, ओके, ताजिंदर मुखर्जी इसके चेयरमैन। फिर अगली हेडिंग की अगर बात करें तो अगले 2 वर्षों में सड़क निर्माण पर कितने रुपए खर्च करने की इरादा है गवर्नमेंट का? 15 लाख करोड़ रुपए। देखिए हमारे अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी, इन्होंने अभी यह घोषणा की है कि अगले 2 साल में भारत में सड़क निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है, भारत में सड़क निर्माण पर जो खर्च किया जाएगा वो कितने रुपए किए जाएंगे? 15 लाख करोड़ रुपए। आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट है, 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत में सड़क निर्माण के ऊपर। ये बात कही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। और आपको पता होना चाहिए ये हमारे परिवहन मंत्री तो है ही, इसके अलावा ये हमारे MSME मंत्री भी हैं, MSME मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर है ये हमारे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये आते हैं नागपुर से, नागपुर से जीत के आते हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है नागपुर। अच्छा एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष गया है ना, वित्तीय वर्ष 2021, 2021 का मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो ये जो वित्तीय वर्ष हमारा गया है इसमें कितनी सड़क बनी है भारत में? प्रत्येक दिन लगभग इस पूरे साल में प्रत्येक दिन भारत के अंदर 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, 37 किलोमीटर। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत में, प्रत्येक दिन, पिछले साल प्रत्येक दिन लगभग 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है।
तो ये भी एक रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगली बात करें, स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति मिल गई है। जी नहीं, हमारे भारत में तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है, फिलहाल तो मुमकिन नहीं है कि स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमसे ड्राइवर वाली कारें ठीक से नहीं चलती है, तो स्वचालित कारें तो हम अभी हमारे लिए एक सपना ही कह सकते हैं। तो अनुमति किसने दी है फिर? ये अनुमति दे दी है ब्रिटेन सरकार के द्वारा कि अब स्वचालित कारों को, यानी बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के कारों को सड़क पर चलाने की अनुमति ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने दे दी है। ओके, अगली बात करते हैं। निधन हो गया है ये विक्रमजीत कंवरपाल का। श्री विक्रमजीत कंवरपाल कौन है? अब देखिए, कोविड ने हमसे बहुत सारी चीजें ले ली, बहुत सारे अपनों को कोविड ने हमसे छीन लिया है। तो एक बड़ी दुखद खबर ये भी है, सिर्फ 52 साल की उम्र में, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, शायद आपने इनको किसी ना किसी मूवी में देखा होगा, तो 52 साल की उम्र में कोविड की वजह से इनकी अभी डेथ हो गई, निधन हो गया। तो ये दुख की बात है। कौन थे ये? प्रसिद्ध अभिनेता थे, प्रसिद्ध अभिनेता। अच्छा, अभिनेता तो ये बाद में बने, उससे पहले आपको पता है ये क्या थे? ये एक रिटायर सेनाधिकारी थे, जिसे रिटायर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सेवानिवृत्त। ये एक रिटायर सेनाधिकारी थे, तो सेना से रिटायर होने के बाद में ये फिल्मों में आए, और ये लगभग ऐसे ही कुछ रोल करते थे जो फिटनेस वाले रोल होते हैं ना, जो एक सैनिक को शोभा देते हैं, कुछ उसी तरह के रोल ये करते थे। तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, बड़ी दुख की बात है। ये प्रसिद्ध अभिनेता हुआ करते थे और सिर्फ 52 साल के थे, और इनका निधन जो हुआ वो कोविड की वजह से हुआ है। ओके, फिर बात करें, टाटा ग्रुप खरीदेगा बिग बास्केट में हिस्सेदारी। बिग बास्केट क्या है? बिग बास्केट एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है, यूं समझे आप। ऑनलाइन ग्रोसरी, जो घर का सामान होता है ना, घर के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली एक कंपनी है बिग बास्केट। इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी जाएगी टाटा कंपनी के द्वारा, टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप के द्वारा इसमें हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इसकी मंजूरी मिली है, मंजूरी कौन देता है इसकी? इसकी मंजूरी दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि टाटा ग्रुप, जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा डिजिटल, तो टाटा डिजिटल क्या करेगा, इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदेगा बिग बास्केट में। तो और लगभग कितनी हिस्सेदारी खरीदेगा तो आपको पता होनी चाहिए, 64.3%, यानी आप 65% मोटा मोटा याद रख सकते हो, 64.3% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप के द्वारा बिग बास्केट कंपनी में खरीदी जाएगी। और इसके लिए पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होती है। देखिए, हमारे भारत में एक आयोग बना हुआ है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये देखता है कि जो उद्यम है, जो उद्योग है, उसमें किसी एक का, किसी एक बड़ी कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए, प्रतिस्पर्धा उसमें बनी रहे, ताकि चीजों के जो भाव हैं, जो चीजों की कीमतें हैं, वो एकाएक ना बढ़ जाएं, किसी एक ही कंपनी का एकाधिकार ना हो जाए। तो इसके लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी इस बात की टाटा ग्रुप को इजाजत दे दी है कि वो बिग बास्केट में हिस्सेदारी अपनी खरीद सकता है। कितनी? 65%, आप याद रख सकते हो। ओके, तो अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। और अगर हम बात करें हमारी प्रतिस्पर्धा आयोग की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है वो है अशोक कुमार गुप्ता। तो ये भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अशोक कुमार गुप्ता। ओके, फिर बात करते हैं, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं नीरज बजाज। अच्छा देखिए, बजाज ऑटो जो कंपनी है, इसके चेयरमैन थे 1972 से इस कंपनी को खड़े करने वाले पर्सन, इसके ऊपर पूरा जान लगाने वाले, अपनी पूरी मेहनत लगाने वाले श्री राहुल बजाज। इस बजाज ऑटो को खड़े करने का काम, खड़ा जो इन्होंने किया है, वो पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, राहुल बजाज को। तो 1972 से, काफी लंबे समय से, राहुल बजाज इसके चेयरमैन बने रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा ही जाएगा, या तो राहुल बजाज का नाम पूछ लिया जाएगा, या अब नए चेयरमैन कौन होंगे, राहुल बजाज के बेटे हैं ये नए चेयरमैन होंगे नीरज बजाज। तो आपको पता
होना चाहिए। कोविड ने हमसे एक और बड़ी पर्सनैलिटी छीन ली है, पंडित देबू चौधरी। 85 ईयर के थे ये, कोविड की वजह से इनका देहांत हुआ है। और ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित देबू चौधरी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करें विश्व का सबसे बड़ा विमान रॉक, इसका नाम क्या है? रॉक है जो विश्व का सबसे बड़ा विमान, इसको कौन सी कंपनी ने बनाया ये पूछा जा सकता है। इसका निर्माण किया है अमेरिका की एक कंपनी है, स्ट्रेटो लॉन्च। तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विमान, जिसका नाम रखा गया है रॉक, स्ट्रेटो लॉन्च। और ये कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिका की, यानी यूएसए की कंपनी है। इस रॉक में जो इंजन लगाया है, उस इंजन का निर्माण किया है बोइंग ने, अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग। तो बोइंग 747 इंजन लगाया इसके अंदर, और एक नहीं 6 इंजन लगे हैं, 6 बोइंग 747। तो अगर आपसे ये पूछे कि रॉक का इंजन किस कंपनी ने बनाया, तो बोइंग ने बनाया है, लेकिन निर्माण किसने किया है? स्ट्रेटो लॉन्च अमेरिका की ही कंपनी है, बोइंग भी अमेरिका की है। तो अमेरिका में ये विश्व का सबसे बड़ा विमान का निर्माण हुआ है। फिर बात करते हैं विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना क्या है? ट्यूना एक प्रकार की मछली है, बहुत इंपॉर्टेंट मछली है। तो विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है हर साल, 2017 से ये मनाया जा रहा है, और इस बार 5वीं बार मनाया जा रहा है 2021 में। तो हर साल 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। आगे बढ़ते हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 अभी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है, अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पहले ये शुरू होने वाली थी नई दिल्ली में, क्योंकि अभी, लेकिन हमें पता है भारत के हालात क्या हैं, तो इसको चेंज करके इसको शिफ्ट कर दिया गया है अब यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और वहां पे भी कहां पे होगा? दुबई के अंदर। यूएई की जो राजधानी है, राजधानी क्या है? अबुधाबी। लेकिन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 होने वाली है यूएई, दुबई के अंदर। ओके, पहले नई दिल्ली में होने वाली थी, अब शिफ्ट कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें P-81 गश्ती विमान को मंजूरी। दरअसल हम अमेरिका से ये विमान खरीदने वाले हैं, P-81 गश्ती विमान, और अमेरिका की सरकार ने इस डील को मंजूरी दे दी है। P-81 गश्ती विमान हम कितने खरीदेंगे? तो पहली बात तो ये कि हम ये खरीदेंगे 6 विमान खरीदेंगे। और इनका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है बोइंग ने, अमेरिका की कंपनी बोइंग ने। कितने के हैं, कितने की डील हुई है, कितने रुपए के पड़ेंगे अभी? तो एक बहुत महंगी, बहुत खर्चीली लेकिन हमारी सुरक्षा के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है, बहुत बड़ी डील है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा ये 6 विमान को खरीदने में। तो ये बात आपको पता हो, तीनों चीजें, एक तो कहाँ से खरीद रहे हैं, अमेरिका से, कौन सी कंपनी ने बनाया, बोइंग ने बनाया, कितने खरीदेंगे, 6 खरीदेंगे, कितने का खर्चा होगा, 25,000 करोड़ का होगा, विमान का नाम क्या है, गश्ती विमान है, कैसा विमान है, गश्ती विमान है, निगरानी रखने वाला विमान है, P-81। ओके, फिर अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति, देखिए अमेरिका में पहली बार है जब कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी हो, महिला उपराष्ट्रपति। तो क्योंकि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, इसलिए इनकी मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? आपको पता है मोम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाती है? उस म्यूजियम का क्या नाम होता है? मैडम तुसाद वैक्स होती है ना मोम, वैक्स म्यूजियम, न्यूयॉर्क। मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम न्यूयॉर्क वाले म्यूजियम में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, इनकी मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो अगर इनकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए इनकी जो मदर थी वो हमारे भारत से तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। तो हम कह सकते हैं कि कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला हैं। इनके कुछ बुक्स आपको पता हो, 3 बुक हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट है। एक बुक है सुपर हीरोज आर एवरी
वेयर। सेकंड इनकी बुक है, सेकंड है स्मार्ट ऑन क्राइम, स्मार्ट ऑन क्राइम। और थर्ड बुक इनकी है इम्पोर्टेंट, एक बुक है इनकी जो है ट्रूथ्स वी होल्ड, द ट्रूथ्स वी होल्ड। ओके, ये थी आज की न्यूज, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो भी हमने आज बात की है करंट अफेयर्स के बारे में, कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लीजिए, हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने कुछ सजेशंस दीजिए, कैसा लगता है, कुछ कुछ नया चाहिए, कुछ नए तरीके से चाहिए तो बताएं, शेयर जरूर करें दोस्तों को। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।